गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एक लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन था 49/2019। उस नोटिफिकेशन में कई चेंजेस आए और एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया जो डिमांड रेज करता है डिपार्टमेंट बाय वे ऑफ शोकोज नोटिस इन DRC 01। उस प्रोसेस में एक छोटा सा चेंज इन्होंने किया। आई वुड से दैट इज वन ऑफ द गुड चेंजेस दैट दे हैव मेड। 49/2019 के थ्रू इन्होंने क्या किया, रूल 142 जो नोटिस एंड ऑर्डर फॉर डिमांड ऑफ अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट की बात करता है, उसमें एक सब रूल ऐड किया, सब रूल 1A, और ऐसा बोला कि जब भी कोई आपकी डिफरेंशियल अमाउंट डिटरमाइन होगी शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स की वजह से या फिर इंटरेस्ट का या पेनल्टी का, मीनिंग देयर बाय जब भी आपको कोई नोटिस इशू करना है 52 में, 73 में, 74 में, 76 में, 122 में, तो उसके लिए DRC 01 फॉर्म इशू किया जाता है एज अ समरी फॉर्म। तो 1A जो नया इंसर्ट किया गया वहां ये बोला गया कि कोई भी नोटिस जो 73 सबसेक्शन 1 या 74 सबसेक्शन 1 में इशू किया जाएगा उसके पहले डिपार्टमेंट के ऑफिसर के लिए, वर्ड यूज इज प्रॉपर ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि बिफोर सर्विंग द नोटिस अंडर सेक्शन 73(1) एंड 74(1) वो एक DRC 01A में डिटरमाइंड अमाउंट, जो उसने अमाउंट को डिटरमाइन किया है, उसके लिए एक इंटीमेशन भेजेगा फॉर टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, मीनिंग देयर बाय ही विल कम्युनिकेट बाय वे ऑफ DRC 01A कि इतना आपका टैक्स है, इतना इंटरेस्ट है और इतना पेनल्टी है। वो असर्टेन करने के बाद DRC 01A इज द फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट नोटिस दैट ही विल बी सर्विंग। फ्रेंड्स, यहां ये ध्यान रखने जैसा है कि डिपार्टमेंट आज भी इस चीज का ध्यान नहीं कर रहा है और वो डायरेक्टली DRC 01 इशू कर रहा है। आपके पास ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मेरा पर्पज ये है कि आपके पास अगर कोई भी ऐसा नोटिस आता है जो DRC 01 है और डायरेक्टली आपको दिया गया, तो आप उस नोटिस के सामने ऑफिसर के साथ ये बात कर सकते हैं कि आपको पहले मुझे कम्युनिकेट करना था DRC 01A में, और DRC 01A में कम्युनिकेट होने के बाद फिर मैं उसकी पेमेंट 73(5) यानी सामने से आके जो पेमेंट बोलते हैं वॉलंटरी पेमेंट, या 74(5) में कर सकता हूं। और फ्रेंड्स, इससे बेनिफिट यह होगा कि अगर आप 73(5) में पेमेंट करते हो, भले ही डिपार्टमेंट ने, आपने खुद असर्टेन करके पेमेंट किया, वो एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि डिपार्टमेंट के DRC 01A आने के बाद भी अगर आप पेमेंट करते हो तो आप 73(5) में कवर हो जाओगे और आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी इम्पोज नहीं की जाएगी। So this is a wonderful process which has been defined now, कि direct आपको show cause notice या DRC 01 serve नहीं किया जाएगा, आपको पहले DRC 01A दिया जाएगा जो एक communication या intimation होगा कि इतना tax interest penalty है, उसमें से अगर आप सामने से भर देते हैं तो 73(5) आपके लिए open रहेगा, you can file that and you can get rid of all the penalties, और otherwise जो पहले process था वही process रहेगा कि once they are issuing DRC 01A आप उसकी रिप्लाई देंगे पार्ट बी में, रिप्लाई देने के बाद इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड देन ही विल इश्यू DRC 01, और DRC 01 का जो नॉर्मल फिर एडजुडिकेशन प्रोसेस है वो एडजुडिकेशन प्रोसेस चलेगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द गुड मूव्स ऑफ द गवर्नमेंट कि अब आपको एटलीस्ट वो चांस दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आपको पहले वो बताएगा कि आपका हमारे हिसाब से टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी इतना आ रहा है, और आपके एक अपॉर्चुनिटी देगा कि आप उस पर रिप्लाई बैक कर सके। दिस वॉज द पर्पज, जस्ट टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट दिस इज द चेंज इन द प्रोसेस एज पर रूल 142 ऑफ द CGST रूल्स, विच सेज नोटिस एंड ऑर्डर ऑफ डिमांड फॉर अमाउंट विच इज पेबल अंडर दिस एक्ट। आई विल बी वेटिंग फॉर फीडबैक ऑफ यू, प्लीज शेयर योर फीडबैक्स। Thank you very much.